हाय, दिस इज मनीषा सिंह। लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है राजस्थान पुलिस की तरफ से कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। तो अगर आप भी इस जॉब वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहेगी, पीटी एंड पीएचटी मतलब फिजिकल और इनिशियल इन हैंड सैलरी, सारा कुछ आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी आउट हुई है 3578 पोस्ट के लिए हुई है। नॉन टीएसपी एरिया में कांस्टेबल के पोस्ट है 3240 एंड टीएसपी एरिया में 338 सीट्स। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। स्टार्टिंग डेट आपका 7 अगस्त 2023 रखा गया, मतलब कि एक दो दिन के बाद से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 27 अगस्त 2023 रहने वाला है। तो आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है कि 27 तक है तो लास्ट में फॉर्म अप्लाई करूं। जितना जल्दी हो सके अगर अप्लाई करना है तो आप 7 के बाद जल्द से जल्द अप्लाई कर दो, ताकि सर्वर इशू आपको फेस ना करना पड़े। चलिए बता देती हूँ आप सभी को फॉर्म के लिए फी क्या लगने वाला है। जनरल बीसी कैटेगरी क्रीमी लेयर और आउट ऑफ स्टेट मतलब अनदर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे 600 रुपीज उनसे लिया जाएगा। एससी एसटी बीसी जो नॉन क्रीमी है, ईडब्ल्यूएस और आपको जो स्टेट के होंगे, अदर स्टेट वालों को यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग टीएसपी एंड सहरिया इन लोगों से 400 रुपीज चार्जेस लिए जाएंगे। अब बता दूं आप सभी को कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2024। सो आपका मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 23 इयर्स रहने वाला है। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी एमबीसी यानी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस सहरिया और वीमेन जनरल कैटेगरी को 5 इयर्स का। वीमेन कैंडिडेट जो रिजर्व्ड है, जिनको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रखा है, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपने राजस्थान सीईटी 10+2 लेवल का पेपर दिया है, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 120 स्कोर होना चाहिए, एससी एसटी का 108 एंड टीएसपी एरिया वालों का 90 होना चाहिए, वो लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको जो है 12th with physics and math computer science subject में से कोई एक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए 12th पास आउट आप हो तो काफी है। अदरवाइज ड्राइवर की पोस्ट के लिए 12th के अलावा आपको जो लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिलेक्शन की प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपका पीईटी एंड पीएचटी होता है, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन होता है आपका ऑनलाइन जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो होगा। उसके बाद आपका प्रोफिशियंसी टेस्ट होता है ओनली फॉर ड्राइवर बैंड माउंटेड एंड डॉग स्क्वाड। देन होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होती है और आपकी आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आपका ये सीबीटी एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का, मतलब 0.25 का। तो आइए हम लोग देख लें सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहने वाला है, कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज साइंस एसएसटी करेंट अफेयर्स राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन एंड स्कीम्स बाय राजस्थान गवर्नमेंट के 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के लिए। राजस्थान स्पेशल जी के आपका रहेगा 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा।
तो आइए फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, जनरल एंड टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपका मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपको 81 टू 86 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है आपको 5 सेंटीमीटर। अगर आप सहरिया डिस्ट्रिक्ट या बारन के आप मेल कैंडिडेट हो, तो आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 74 टू 79 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे देखा जाता है। फीमेल कैंडिडेट जनरल एंड टीएसपी एरिया वालों का मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 47.5 kg आपका है तब आप एलिजिबल हो। फीमेल फॉर सहरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारन, उनका हाइट मिनिमम 145 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट अगर 43 kg है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। अब बता देती हूँ आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग होता है। फ्रेंड्स मेल के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 25 मिनट्स में, फीमेल्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 35 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। एक सर्विस मैन को 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। सहरिया एससी एसटी ऑफ टीएसपी एरिया को 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो ये सब कुछ तो हो गया आपका बेसिक डिटेल्स। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि मैम जॉब के बाद सैलरी क्या मिलेगी। तो फ्रेंड्स सैलरी इसकी मतलब अच्छी खासी सैलरी है, आपको बेसिक पे 5200 टू 20200 का रहता है। इनहैंड सैलरी आपको मिलता है 23,588 टू 26,088 रुपीस और पर ईयर आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होता है। तो ये सैलरी तो आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, धीरे धीरे काफ़ी अच्छा इसमें आपको सैलरी हो जाएगा। तो आइए आपको बता देती हूँ पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं। इसमें आपको प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, ग्रेच्युटी रहता है, पेंशन रहता है, एचआरए विच मींस हाउस रेंट अलाउंसेस। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, अदरवाइज इस जॉब का नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो और वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम का फेसबुक पेज का भी लिंक है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना आप, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सब वीडियो को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जानकारी हो, बेनिफिट मिले। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।